बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। खबर शामिल करेंगे थाना दौलत नगर से। थाना दौलत नगर के गांव गदरा कलां में जमीन के नजायज जमीन पर नजायज कब्जा करने की कोशिश को रोकने पर सैयद असगर शाह के बेटे सैयद सजाद शाह को डंडू सोटों से शदीद जख्मी कर दिया। आइए मजीद जानते हैं मजरूब के वाले सैयद असगर शाह की जुबानी इस सारे मामले की असल कहानी। जी नौ बजे नाल गए हैं साड़ी जमीन पर बलते साड़े केस पर चलते हैं, स्टे भी हो दो पार्टियां केस पर चलते हैं और स्टे भी हो सुबह अस गए इन्होंने दसिया भाई स्टे हो ना वो उस बाद सू ने तशद्दुद किया साढ़े बच्चे ते शाह साहब किन्ने किन्ने तशद्दुद किया जी एक हूर शाह शिकूर शाह एक कानून शाह इन्हें दो बंद डंडे मारे ने दूसरे बारह बंदे जेड़े उन्होंने लड़कड़े मारे ने मार दो इन्हों अज इन्हों छड़ने नहीं आ गया अज ये जाते किस तरह ने बच गए बच्चे के सिर भी पाड़ चढ़े आ गई बांह भी पान चढ़ी हूँ असं अस्पताल लिया नतीजा लैन तो पुलिस ने इनफॉर्म किया अदालत जी भी केस चलते हैं थोड़े वन पॉइंट जी दो केस चलते हैं सिटे भी पे आकार कल मैं जाके परसों स्टे लिया अपना टेस्ट स्टे लिया और लिया के रखे इन्होंने दसिया कहने असी नहीं मानते इसके मंजे वन असी नहीं मानते किसी ना गल का स्टे थोड़े को उसके बाद बदमाश आदमी ने कोटले तीन बंदे आए बदमाश लिया बदमाश लिया और सानू इन्होंने तशद्दुद किया मुतालबा करते शाह साहब तुम मुतालबा कर रहे सू इंसाफ दिता जाए डी पी ओ साहब न एस एच ओ साहब नी वजीर आला साहब नी इंसाफ दिता जाए।